रहे घुसखोरी रोकने के लिए मोदी ने तैयार किया नया मास्टर प्लान। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर हो रही घुसखोरी को रोकने के लिए सीमा पर एक अत्याधुनिक यंत्रणा लगाने की योजना है। आसाम में दुबारी जिला के सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग तैयार की जा रही है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इनके हाथों किया गया। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा 61 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा पर यह यंत्रणा बैठाई जा रही है। बांग्लादेश और भारत सीमा रेखा में से आसाम में दुबारी यहाँ के भौगोलिक प्रदेश के कारण सुरक्षा करने में बहुत सी तकलीफें सामने आती है। बारिश के दिन में यह सुरक्षा रखना काफी तकलीफदायक होता है। यह समस्या छुड़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा दल और भी मजबूत करने के प्रयास किए हैं। उसमें ही एक और यंत्रणा की मदद से सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे तत्काल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। इसमें डाटा नेटवर्क, ओएफसी केबल, डीएमआर कम्युनिकेशन, दिन रात हलचल रिकॉर्ड करने वाला कैमरा, यह यंत्रणा है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।